हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महफूजा कुकिंग चैनल। आप लोगों के सबके क्या हाल चाल हैं? आज हम जो है बहुत अच्छा सा इंस्टेंट अचार बना रहे हैं, बहुत जल्दी झटपट बनने वाला मैंगो का अचार। ये बहुत ही मज़े का है और बहुत जल्दी बनने वाला है। थोड़ी सी चीज़ें इसके लिए हमें जो ज़रूरत है वो ये हैं। सबसे पहले तो मुझे जो है, अगर आपके पास सरसों का मस्टर्ड ऑयल हो तो अच्छा है, वरना कोई भी ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल, लेकिन मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है तो मैं यूज़ करूँगी 2 स्पून। और एक जो है बड़ा जो गार्लिक का सोया होता है पूरा, उसको छील के, जो बड़ा गड्ढा होता है उसको छील के उसको रखा हुआ, उसको काटा नहीं है। और ये 7-8 रेड पेपर्स हैं, ड्राई पेपर्स, 2 बे लीव्स हैं जिसको तेज़ पत्ते बोलते हैं, वो ये जो है कड़ी पत्ते हैं। और हमारे पास लौंग 2-4 हैं और 4-6 काली मिर्च हैं, वो भी मैं आपके सामने डालूंगी। ये काला नमक है ये हसबे ज़रूरत डालते हैं, वाइट नमक है वो भी हसबे ज़रूरत डालेंगे। मैं डालूंगी 2 चम्मच टी स्पून, और 2 टेबल स्पून जो मैं डालूंगी इसमें ब्राउन शुगर, और 1 टीस्पून जो है एक टेबल स्पून जो है ये मैं मस्टर्ड डालूंगी, साबुत मस्टर्ड, इसको क्या बोलते हैं, राय। और एक टेबल स्पून ये मैं क्रश पेपर डालूंगी, 2 टेबल स्पून जो है रेड चिली पेपर डालूंगी। दैट्स इट, ये हमें चीज़ होगा। मैंगो जो है हमें 3 मैंगो जो है मीडियम साइज़ के, बहुत कच्चे नहीं हैं लेकिन थोड़े से रॉ मिले। ये मैंगो मैंने छोटे छोटे काट के रखे हैं, इसी को गुठलियों को फेंक दिया था, ये मैंगो उसमें जाएगा। अब हम इसको पकाना शुरू कर दें, बहुत 2 मिनट में ये अचार बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा इसको गर्म कर ही लिया था अपने पैन को, थोड़ा और गर्म हो जाए तो मैं इसमें अपना ऑयल डाल देती हूँ। ये है 2.5 टेबल स्पून जो ऑयल है सरसों का ऑयल। आप आपके पास ये नहीं है तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल दें, लेकिन सरसों का ऑयल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है इसमें। इसमें जो है मैं सबसे पहले डालूँगी ये रेड पेपर्स, ज़रा सा गर्म होता है तो रेड पेपर डालूँगी, 10-12 रेड पेपर बहुत है इसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें जो है ये बे लीव्स जाएंगे, ये दो बड़े बे लीव्स, इसका मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए, 2 ले हैं, ये बे लीव्स चले गए। इसमें जो है कड़ी पत्ते जो है 2 टेबल स्पून मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें चला जाएगा। अभी तो ऑयल गर्म हो जाएगा तो साथ के साथ पकता है, बहुत ज़्यादा में जलाना तो है नहीं। और इसमें जो एक तेज का सिनेमन का पीस जो है, ये 1 इंच का टुकड़ा है, इसके 3-4 मैंने पीसेस बना लिए हैं। और एक जो है टेबल स्पून टी स्पून मैं कलौंजी डालूंगी इसमें, आखिर में डालूंगी। और 4-6 लौंग के टुकड़े हैं और 7-8 ब्लैक पेपर्स हैं, बस। जरा ऑयल गर्म होता है तब, थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो हम ये अपने दूसरे मसाले इसमें डाल देंगे। ये बहुत मज़े का, और ये अचार जो है इसमें पानी वानी कुछ नहीं जाता, इसको ऐसा पका के रखते हैं तो ये 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ तो एक हफ्ते में ही ख़त्म हो जाता है। इतना तो अच्छा फटाफट खाने के साथ अच्छा लगता है, और आजकल तो कैरी का सीज़न भी है। ये मैं कलौंजी में 1 टीस्पून डालूंगी अभी ज़रा एंड में, वरना इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अब इसमें गार्लिक चला जाएगा, सारे चले जाएंगे, थोड़ा सा गर्म हुआ तो सारा डाल देते हैं। रेड पेपर भी चला गया, फिर हमारा सॉल्ट भी चला गया, ब्लैक सॉल्ट भी, और सबसे थोड़ी देर में जो सबसे आखिर में हम ब्राउन शुगर डाल देंगे। अब जाएगा वो ब्राउन शुगर, थोड़ा सा ब्राउन शुगर है तो हमारा इसमें सारा आम चला जाएगा। आम चला गया, बस इसको थोड़ा सा पका के अच्छी तरह से मिला के ऊपर से कलौंजी खाता। ये इंस्टेंट अचार बहुत मज़े का, और इसको अपन ऊपर बनाई मिल जाए अच्छी तरह से मसाले में, इसमें जल्दी से जोर मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। और इसको 2 से 3 मिनट पकाना है, ये पक जाएगा तो हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे,
इसको ठंडा करके और फिर इसके बाद अपने जार में भर लेंगे। एक हफ्ते से 10-15 दिन भी, एक महीने तक भी सही रहता है। अगर ज़्यादा महीने तक रखना है तो इसमें 2 चम्मच और ऑयल के डाल दो। अगर 15 दिन तक रखना है तो इतना ऑयल बहुत इनफ है। बस ये हमारा इंस्टेंट अचार तैयार हो गया। मैंने इसमें कलौंजी भी डाल दिए। ये बहुत मज़े का, बहुत अच्छा और ठंडा हो के और ज़्यादा, ये एक दिन के बाद और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा खाने में। बहुत मज़े का बनता है ये अचार। इसे मैंने थोड़े से, बस अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, इसको अब जो है हम अपने प्याले में भर लेंगे। आपको इसमें भर के दिखाते हैं। ये हमारा रेडी हो गया, अब इसमें हम डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा इंस्टेंट अचार, मैंगो का अचार रेडी। जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको जार में भर लेंगे। आप इसको देखें कितना अच्छा, खूबसूरत और बहुत मज़े का अचार है। मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेती हूँ, बहुत गर्म है लेकिन फिर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का, ना बहुत ज़्यादा मिर्चें, बहुत अच्छा टेस्ट इसका आया हुआ है। इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इसको अच्छा लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो जो है हमें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और बहुत इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। अपना, अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।